नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर सीपी गुप्ता। आज अपन एक नया लेक्चर डिस्कस करेंगे। लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे कि एक आर्क की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक आर्क जो कि चार्ज्ड है उसके सेंटर पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ये टॉपिक आईआईटी एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो इस प्रॉब्लम को जेईई एंड नीट के लिए देखेंगे। थैंक यू। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहां से। ये अपन एक आर्क लेते हैं भाई। इस आर्क के ये इस आर्क का सेंटर, ये एक सेंटर है इस आर्क का, ठीक है। ये आर्क कैसी है? इस आर्क पर क्या है? चार्ज है। तो ये चार्ज आर्क है, ठीक है, क्लियर। इस आर्क पर, इस पी पॉइंट पर अपने को भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम इस आर्क पर एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं डी क्यू, ठीक है, और इस एलिमेंट की लेंथ है डीएल, यानी कि यहां से जो यहां तक की लेंथ है वो डीएल है और जो चार्ज है वो इस पर डी क्यू है। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता? किधर होता? कितना होता? डीई, सही है। बहुत छोटा चार्ज है तो इसकी वजह से बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता। हमने ये एंगल ऐड कर लिया, कितना है बच्चों? थीटा, ठीक है, क्लियर। तो ये एंगल भी कितना होता? थीटा। तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? डीई कॉस थीटा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता डीई साइन थीटा। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता डीई कॉस थीटा एंड y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता डीई साइन थीटा, ठीक है। ये जो आर्क है ये इस सेंटर पर जो एंगल इंसिडेंट कर रही है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, और इस एंगल को हमने लेट कर लिया कितना? डी थीटा। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी लेट कर ली? आर। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायग्राम को समझते जाने। अब अपने को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एंगल डी थीटा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डीएल है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, एंगल होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो भाई ये पॉइंट समझना, एंगल क्या है? डी थीटा, आर्क है डीएल और यहां से यहां तक की रेडियस आर है, तो हम डीएल को क्या बोल सकते हैं? आर डी थीटा। स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल की आर्क डीएल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्लियर। अब देखो इधर इसको इधर ले गए तो डीएल की वैल्यू आ गई, ये पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब आप एंड में समझ जाएंगे कि ये वैल्यूज में क्यों निकाल रहा हूं। वन बाय वन एक एक स्टेप करके निकालेंगे। लैम्डा होता है डी क्यू अपॉन डीएल, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन, तो डी क्यू क्या आएगा भाई? लैम्डा डीएल, और ये वैल्यू अपन यहां रख देंगे, क्या बन जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू डीएल की यहां रख दो, क्या आ जाएगा? लैम्डा आर डी थीटा। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। अब देखो, मान लो कि टॉप वाला जो है पॉइंट वो यहां से जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है अल्फा, और जो बॉटम वाला पॉइंट है वो यहां से जो एंगल बना रहा है इसको बोल देंगे बीटा, ठीक है। ये जो टॉप पॉइंट है ना
ये यहां से जो एंगल बना रहा है इस एंगल को बोल दिया अल्फा, और ये जो बॉटम पॉइंट है ना इसका, इन दिस डायग्राम अल्फा इज द एंगल मेकिंग बाय टॉप एंड बीटा इज एंगल मेकिंग बाय बॉटम एट पॉइंट पी। ये यहां से जो एंगल बना रहा है उसको बोल दिया बीटा, ठीक है। अब अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या है भाई? डीई इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा, यही है, ठीक है। सबसे पहले अपने को डीई की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डीई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के तो के, यहां पे क्यू की जगह डी क्यू, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू अपन यहां से यहां रख देंगे तो क्या बनेगा? डीई एक्स इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सिंपल। इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू की जगह डी क्यू और आर की जगह यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है, यही फॉर्मूला। यहां इस वैल्यू को यहां रख दिया तो क्या बना? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम टू, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू रख देंगे इसमें यहां पे, क्या बनेगा भाई? डीई एक्स इज इक्वल टू के डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्स डायरेक्शन में, क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में टोटल निकालना है, टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट, देखो कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। अच्छा एक आर से एक आर कैंसिल हो गए यहां पे, ठीक है, तो क्या बचेगा? के बाहर आ गया, लैम्डा भी बाहर आ गया, ये एक आर को कैंसिल कर देगा तो एक आर बाहर आ गया, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। अब मुझे बताओ लिमिट कहां से कहां लेंगे? लिमिट लेंगे माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। देखो ये इधर की इधर जो है वो नेगेटिव में लेंगे और इधर जो है पॉजिटिव में ले लेंगे, क्लियर। तो डीई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई एक्स के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और अल्फा टू बीटा, सॉरी माइनस बीटा टू अल्फा। बस ये यहां पे सॉल्व हो गया इजीली, और इसको मिटा देता हूं यहां से। तो सबसे पहले ई एक्स के लैम्डा अपॉन आर, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यहां पे, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। सबसे पहले जो थीटा है ना इसकी जगह रख देंगे अल्फा, फिर माइनस का साइन, और साइन थीटा की जगह माइनस बीटा, ये माइनस ही आएगा तो माइनस और माइनस प्लस, ये बनेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के लैम्डा अपॉन आर इज इक्वल टू ई एक्स, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसी तरीके से अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होता उसको भी बता देता हूं। ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अपने को, तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन
वाई डायरेक्शन। भाई वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? ये वाला, सिंपल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, डीई वाई इज इक्वल टू डीई साइन थीटा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे वैल्यू रखनी है डीई की, तो अपने को पता है डीई की वैल्यू क्या होगी, डीई होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के तो के ही है, क्यू की जगह डी क्यू है और डिस्टेंस आर की जगह कैपिटल आर है। ये वैल्यू यहां से यहां रख दो, क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा डीई वाई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहां पे अपने को ध्यान करो, वहां पे अपन ने एक इक्वेशन लिखी थी जहां पे अपनी डी क्यू की वैल्यू आई थी, डी क्यू क्या आया था, लैम्बडा आर डी थीटा, याद आ रहा है? एक डी क्यू की वैल्यू आई थी इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू में डी क्यू की वैल्यू क्या आई थी, लैम्बडा आर डी थीटा। तो ये डी क्यू की वैल्यू हम यहां पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, डीई वाई इज इक्वल टू के डी क्यू की जगह लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखो एक आर को यहां कैंसिल कर देगा, तो यहां बनेगा डीई वाई के लैम्बडा अपॉन आर और अंदर बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब अपने को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जब जब टोटल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, तो टोटल कैसे निकाल लेंगे, टोटल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, देखो के लैम्डा और आर कांस्टेंट है, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। यहां पे लिमिट ले लेंगे जीरो टू ई वाई, यहां पे लिमिट लेंगे माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, है ना, ये माइनस बीटा और ये प्लस अल्फा, क्लियर। तो भैया इसका इंटीग्रेशन तो हो गया ई वाई के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, और माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस माइनस को इधर लिख देते हैं बाहर, ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आए, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये माइनस तो यहां आ जाएगा, तो बनेगा ई वाई इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन आर, अंदर बच गया भैया कॉस थीटा, और लिमिट माइनस बीटा टू अल्फा, ये जो माइनस था ना इसको तो यहां लिख दिया। अब सबसे पहले अपर लिमिट रख देंगे, माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा की जगह पहले अल्फा, फिर माइनस कॉस माइनस बीटा, सही है। एक्चुअली यहां पे आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, अगर कॉस के अंदर माइनस होता है ना, कॉस माइनस को खा जाएगा, यानी ये माइनस जो है ये बाहर नहीं निकलेगा, इस कॉस माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां से साइन से तो माइनस बाहर निकल जाता है, जैसे अब मैंने लास्ट में लिखा था साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, क्लियर है ये पॉइंट। तो इसी तरीके से यहां पे लिख देंगे माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा, ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा और ये बन जाएगा कॉस बीटा। अब इस माइनस को इधर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपका आ गया वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन बिकम
के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, हाँ अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, अल्फा और बीटा इक्वल हो, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉस अल्फा ये भी कॉस अल्फा सब्ट्रैक्ट होके नेट रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिख देते हैं अपन और उसको समझा देते हैं। ठीक है, तो एंड में ट्रिक भाई, फॉर्मूला याद रखना कैसे है, ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, ये वो चार्ज रिंग है जिस पर की चार्ज है, ये एंगल कितना भाई अल्फा और ये एंगल था बीटा, ये पॉइंट पी है, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको बोला ई एक्स, क्लियर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोला था ई वाई। तो ई एक्स क्या आया था, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, पॉइंट क्लियर, और ई वाई क्या आएगा, ई वाई आया है के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये जो ई एक्स है और जो ई वाई है वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, अगर ई एक्स हमेशा इसके इधर होगा और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इन दोनों एंगल्स को सेपरेट करने वाली लाइन होगी। पॉइंट क्लियर हो गया, ये नहीं हुआ, ई एक्स और ई वाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरीके से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। चलो अब एक पॉइंट यही पे डिस्कस करके बताता हूं, जैसे मान लो ये रिंग ऐसे होती है, जैसे मान लो ये एक छोटी सी आर्क होती और ये चार्ज्ड होती, इस चार्ज्ड आर्क की वजह से मान लो ये जो लाइन है हमेशा इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना वो होगा ई एक्स। ठीक है, इस लाइन के अलोंग जो होगा वो होगा ई एक्स, और ये वाला जो एंगल है अपर वाला एंगल था अल्फा और लोअर वाला एंगल होगा बीटा। तो ई एक्स क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर जो है, इसके परपेंडिकुलर या तो इधर या इधर, ये डिपेंड करेगा इस अल्फा या बीटा की वैल्यू पे। तो इसके परपेंडिकुलर जो ई वाई होगा, ई वाई हमेशा ई एक्स के परपेंडिकुलर होगा, ये होगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ई एक्स हमेशा इस लाइन के लॉन्ग होगा और ई वाई इस लाइन के लॉन्ग होगा, क्लियर। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे केस नंबर वन आता है कि अल्फा और बीटा अगर इक्वल हो और दोनों 45 हो, तो देखो ये आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन 45 प्लस साइन 45। तो ई एक्स क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसमें, आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन 45 प्लस साइन 45। लेकिन ई वाई क्या आएगा बच्चों, इस केस में ई वाई देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस 45 माइनस कॉस 45, कॉस 45 माइनस कॉस 45, ई वाई बिकम जीरो। तो जब अल्फा और बीटा इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड ओनली इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब मान लो इसी केस में, यहां पे केस नंबर टू लेते हैं, ठीक है, मल्टीमोर क्वेश्चंस में आपको सिखा रहा हूं,
ध्यान रखना ई एक्स और ई वाई हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। केस नंबर वन, सॉरी केस नंबर टू, इफ अल्फा इज इक्वल टू 30 एंड बीटा इज इक्वल टू 60, अब क्या आंसर आएगा? तो ई एक्स क्या आएगा? ई एक्स आएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है, ये इस लाइन के लोग आया। ई वाई क्या आएगा? इसके परपेंडिकुलर ई वाई जो आएगा वो आएगा के लैम्डा अपॉन आर कोस बीटा, बीटा की वैल्यू ये है तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है ना, कोस बीटा, कोस बीटा कोस 60 माइनस कोस 30, ठीक है, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू क्लियर। तो ये आया ex एंड ये आया ey। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको इसी तरीके से यूज लेना पड़ेगा। अच्छा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला, इस ex का स्क्वायर और ey के स्क्वायर का अंडर रूट ले लो। e क्या आएगा? ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर के अंडर रूट जो है वो, भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो रिजल्टेंट ई की इक्वल आ जाएगा। ये वेक्टर में अपन ने पढ़ रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश, थैंक यू।